वो अभी इस दुनिया से पूरी तरह अनजान थी। जवानी की दहलीज पर कदम रखना अभी उसके लिए बाकी था और वो इस बात से पूरी तरह बेखबर थी कि समाज के बीच रहकर कुछ हैवान निगाहें उसे हर रोज घूरती हैं। इंसान की शक्ल में छुपे भेड़िए जवान होने से पहले ही उसके जिस्म को गिद्धों की तरह नोचना चाहते थे और फिर एक रोज वही हुआ जिसका हमेशा से डर था। आंध्र प्रदेश के गुंटूर से 13 साल की लड़की से गैंगरेप की जो खबर सामने आई है वो इंसानियत से नाता रखने वाले हर शख्स के रोंगटे खड़े कर देगी। दरअसल पुलिस ने मंगलवार को इस लड़की का रेस्क्यू किया जिससे जबरन जिस्म फरोशी करवाई गई। नाबालिग के साथ 8 महीने से ज्यादा वक्त तक 80 लोगों ने गैंगरेप किया। उसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के वैश्यालयों में वैश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया गया। पुलिस ने सभी 80 आरोपियों की पहचान कर ली और 10 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। बाकी आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। मासूम पीड़िता का बुरा वक्त उस वक्त शुरू हुआ जब उसकी मां की कोरोना से मौत हो गई। इससे पहले जून 2021 में एक हॉस्पिटल में स्वर्णा कुमारी नाम की एक महिला उसकी मां की सहेली बनी थी। स्वर्णा ने ही उस मासूम को गोद लिया और उसके पिता को बिना बताए अपने साथ ले गई। अगस्त 2021 में पीड़िता के पिता ने पुलिस में बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई तब पुलिस स्वर्णा कुमारी तक पहुंच पाई। इस मामले में पुलिस ने बताया कि 80 लोगों की पहचान हो गई है। इस मामले में पहली गिरफ्तारी जनवरी में हुई थी। 19 अप्रैल को गुंटूर की वेस्ट जोन पुलिस ने 10 लोग जिनमें बीटेक स्टूडेंट भी शामिल है उन्हें अरेस्ट किया था। आरोपियों और पीड़िता से पूछताछ करने पर पुलिस के सामने पीड़िता की दर्दनाक स्थिति और चौंकाने वाली हकीकत का खुलासा हुआ। एएसपी के सुपराजा ने बताया कि पुलिस ने पहले सभी आरोपियों की पहचान की और इसके बाद उनकी धरपकड़ शुरू कर दी। इनमें से कुछ आरोपी गिरोह चलाने वाले हैं, 35 दलाल हैं और बाकी ग्राहक बनकर पहुंचने वाले लोग हैं। लड़की की उम्र और हालात का फायदा उठाकर कई गिरोह ने उसकी खरीद फरोख्त की और उसे प्रदेश के कई जगह बेचा गया। पुलिस एक आरोपी की तलाश में है जो फिलहाल लंदन में बताया जा रहा है। इस केस में पुलिस ने विजयवाड़ा, हैदराबाद, काकीनाड़ा और नेल्लोर से पकड़े गए आरोपियों से एक कार, 53 मोबाइल, 3 ऑटो और कुछ बाइक भी बरामद की है। फिलहाल इस मामले में पुलिस की जांच अभी भी जारी है और ये देखना बाकी है कि आत्मा को झकझोर देने वाली इस घटना में अभी और कितने सियाह चेहरे सामने आने वाले हैं और पुलिस अभी और कितने गुनाहगारों को बेपर्दा करने वाली है। न्यूज डेस्क, टाइम 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।